एक आईफोन तुम्हें दूसरों के सामने शो ऑफ करने का सुख तो देता है, लेकिन वो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हर आईफोन यूजर अपना नया आईफोन खरीदने के बाद यूट्यूब पे सर्च करता है, हाउ टू मेंटेन 100% बैटरी हेल्थ इन एन आईफोन। और क्योंकि तुमने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू आईफोन। तो चलो लेट्स डिकोड सीक्रेट ऑफ 100% बैटरी हेल्थ इन एन आईफोन। अब देखो, बैटरी हेल्थ को मैक्सिमम लेवल पे मेंटेन करने के लिए तुम्हें समझना होगा व्हाट इज बैटरी हेल्थ। इसका आंसर तुम्हें अपने आईफोन के बैटरी हेल्थ सेक्शन में ही मिल जाएगा। फोन बैटरीज लाइक ऑल रिचार्जेबल बैटरीज आर कंज्यूमेबल कंपोनेंट्स दैट बिकम्स लेस इफेक्टिव एज दे एज। सीधी भाषा में, जैसे तुम और मैं खाना खाकर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी किसी भी काम को करने के केपेबल होती है। लेकिन एक एज के बाद, इन आवर केस 80 साल की उम्र में, हमारी जो खाना खाने की और काम करने की कैपेबिलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जैसे हमारी एज बढ़ती है। सेम चीज हमारे आईफोन्स के साथ भी होती है। जैसे जैसे हम अपने आईफोन को यूज करते हैं उसके बैटरी की भी एज होती जाती है, और ये एज आपको दिखती है बैटरी हेल्थ के फॉर्म में। अब जैसे ही आप एक नया आईफोन खरीदते हो आपको 100% बैटरी हेल्थ दिखती है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके फोन की उम्र 20-21 साल के आसपास है, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे है। और आईफोन्स के केस में जैसे आपकी बैटरी हेल्थ 80% से नीचे जाती है तो ये समझ लो कि आपका फोन 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है, जिसके बाद वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो भाई बैटरी हेल्थ क्या होती है ये तो समझ लिया, चलो बात करते हैं उस सीक्रेट की जिससे आप मैक्सिमम टाइम तक अपनी बैटरी हेल्थ को हेल्दी रख सकते हो। और वो सीक्रेट है न्यूट्रिशन। जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, वैसे ही हमारी फोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए हेल्दी चार्जिंग। कुछ लोग अपने फोन में हैवी गेमिंग करते हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, हर किसी के यूज के अकॉर्डिंग उसको बैटरी बैकअप मिलता है। कई लोग जो हैवी यूज करते हैं उनकी 5-6 घंटे में बैटरी जीरो हो जाती है, और कुछ लोग जिनका इतना हैवी यूज नहीं है, सिंपली लड़कियां ताड़नी है इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप पे लड़कियों को मैसेज करना है, उनकी बैटरी पूरा दिन भी चल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप फोन को किस तरीके से यूज कर रहे हो। बैटरी हेल्थ को मेनली एक ही चीज इफेक्ट करती है, वो है चार्जिंग साइकल्स। अब इसको ऐसे समझो, एक बार तुम अपने आईफोन को 0 से 100% तक चार्ज करते हो और फिर अपने फोन को यूज करते हो और एकदम जीरो तक लेके जाते हो, एंड देन अगेन उसको 100% तक चार्ज करते हो, तब ये आपका एक चार्जिंग साइकिल कहलाता है। अब देखो, तुम्हें यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, अपने बैटरी परसेंटेज को 20% तक मत जाने देना। अब मैं ये नहीं बोल रहा 20% आना गुनाह है, कभी कभी हो सकता है 20% से नीचे भी चले जाए, उससे दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा देर तक अपने फोन को डिस्चार्ज रखना वो दिक्कत है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, बाय चांस मेरी बैटरी जो है वो 30% के आसपास 25% के आसपास बची हुई है, थोड़ा बहुत रात को यूज करने के बाद फोन की बैटरी 20% बचती है और मैं रात को अपने फोन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और वो रात भर 8 से 9 घंटे तक 20% के नीचे ही रहती है। जब मैं सुबह उठ के अपने फोन को चार्ज करता हूँ और फिर पूरे दिन के लिए यूज करता हूँ, तो ये है मेरा चार्जिंग साइकिल, जो कि बहुत गलत है। तुमको सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि अपनी बैटरी परसेंटेज को 20% मत टच करने दो, जैसे ही 20 के आसपास आता है अपने फोन को चार्जिंग पे लगा दो, और एक बार फोन चार्जिंग पे लगाते हो तो थोड़ा उसको सांस लेने दो, आराम से छोड़ो, कम से कम 80% 90% तक चार्ज होने दो, उसके बाद फिर तुम यूज कर सकते हो फोन को। वैसे तो एप्पल बोलता है आपको 80% तक चार्ज करना चाहिए अपने फोन को, लेकिन मेरे केस में मैं ऐसा नहीं करता, मैं 90-95-96% तक भी चली जाती है, और मैंने देखा है ये चीज काफी अच्छी तरीके से काम करती है, और मैं पर्सनली इसी रूल को यूज करके अपने फोन यूज करता हूँ, जिससे बैटरी हेल्थ काफी अच्छी रहती है लंबे समय तक। तो मैं बता देता हूँ वो दूसरा सीक्रेट जिससे तुम अपनी बैटरी हेल्थ को 100% तक वापस ला सकते हो, और वो सीक्रेट है बैटरी रिप्लेसमेंट। यस, दिस इज द ओनली वे टू इंक्रीज योर बैटरी हेल्थ। अब भाई तुम ऑलरेडी 30 साल के हो चुके हो और तुम अगर चाहने लगोगे मेरी एज एकदम से 20 साल की हो जाए, तो क्या पॉसिबल है? है, अगला जन्म लेना पड़ेगा। सेम चीज तुम्हारी बैटरी के साथ भी है, तुमको अपनी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी, और भाई ये एकदम नॉर्मल सी चीज है, ये काफी हार्श रियलिटी है, लेकिन जैसे हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पेट्स, इवन तुम खुद, जब हम अपनी एज नहीं रोक सकते तो हम अपनी बैटरी की एज कैसे रोक सकते हैं? तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने फोन को जितना मर्जी उतना चार्ज करो, और 20% वाला जो रूल है ना, इसको अप्लाई करके देख लो। 1-2 महीने बाद इसी वीडियो पे आके कमेंट करके मुझे बताना कि ये 20% वाला रूल काम करता है या फिर नहीं। और हाँ, जितने लोगों की बैटरी हेल्थ 90% से नीचे चली गई है, भाई 80% से नीचे भी चली जाती है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें 80% से कम बैटरी हेल्थ वाला फोन भी अच्छी खासी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है तो हाँ, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें फोन यूज करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं, भाई 5-6 हजार रुपए की बैटरी आएगी, उसको चेंज करवा दोगे, तुम्हारा आईफोन ब्रांड न्यू हो जाएगा। बेसिकली लोग बैटरी हेल्थ को लेकर इसीलिए टेंशन लेते हैं कि उनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन भाई तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो, बिंदास फोन यूज करो। और हाँ, यहाँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑथेंटिक वाला चार्जर यूज करो, ज्यादा हीट होने पर अपने फोन को चार्ज मत करो, इन सब
सबके लिए मैंने दूसरी वीडियोस बना के रखी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अपनी बैटरी हेल्थ के बारे में इतना मत सोचो, वो तो 3 से 6 हजार में रिप्लेस हो जाएगी। अगर हेल्थ के बारे में सोचना ही है तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, क्योंकि उसके लिए 3 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे।